हम इस वक्त मौजूद हैं चिवरांज में, जहां पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान हो रहा है। और चूंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है, यहां पर जो चुनाव आयोग है उसने कोशिश की है कि बेहतर व्यवस्था की जाए। इसके लिए आप देख सकते हैं इको ग्रीन मतदान केंद्र बनाया गया है, खजूर के पत्तों से पूरी व्यवस्था की गई है, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है आदर्श मतदान केंद्र में। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ पर सर, मेरा इस साल फर्स्ट साल है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस साल वोट दी हूँ। मेरा एज 18 साल हो गया और अपने सरकार, अपने गांव के विकास और अपने देश के विकास के लिए अपने हक की सरकार चुनना हमारे लिए अच्छी बात है। और मैं लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का एज हो गया है तो आप मतदान केंद्र में जाकर अपना नाम जुड़वाएं और वोट डालने जाएं। आप देखिए कि एक तरफ युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, दूसरी तरफ बुजुर्ग मतदाता हैं जो कि वोट डाल के आए। अम्मा उंगली दिखाओ एक बार, ये देखिए आप जो कि कई बार वोट डाल चुके हैं लेकिन उन्हें दूर जाना पड़ता था, अब गांव में ही व्यवस्था है। और हमारे साथ एक और साथी हैं जिन्होंने वोट डाला है यहाँ चिवराज में। कैसा लगा वोट डालकर? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा है सर, वैसे रहना चाहिए है। बड़ा खुशी की बात है, हम लोग यहाँ मतलब ना जो बना है चिवराज में, पहले कितना दूर जाना पड़ता था? वहाँ 3 किलोमीटर जाना पड़ता था सर, तो दिक्कत होती थी। देखो चारों तरफ पहाड़ है और आज देखो यहाँ, हमारे यहाँ अच्छा लगा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ग्राम में लोगों में खुशी है कि किस तरीके से हमारे गांव में भी मतदान केंद्र और एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। कैमरामैन सरोज दास के साथ नव विक्रम सिंह, संसद टीवी।